नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम दीपक गुप्ता, प्रतीक एसोसिएट्स की तरफ से लेके आया हूँ आप लोगों के लिए एक और बहुत खूबसूरत फ्लैट जो कि होने वाला है 3 BHK। जी बिल्कुल, करीब 115 से 20 गज में ये बना हुआ है पूरा, और इसका जो डायमेंशन है वो भी बहुत अच्छा है, लेआउट है वो भी बहुत अच्छा है, और आपका जो हॉल साइज है, ड्राइंग रूम एरिया है वो भी काफी स्पेशियस इसमें बनाया हुआ है, और ये पूरा 12 मीटर रोड पे ये फ्लैट है, यानी कि अगर मैं बात करूं तो करीब 40 फीटा रोड की प्रॉपर्टी है। इस प्रॉपर्टी के बिल्कुल ठीक अपोजिट में कमर्शियल स्पेस, अथॉरिटी का कम्युनिटी सेंटर और हेल्थ सेंटर की लैंड है जो खाली पड़ी हुई है, तो ये काफी अच्छा फ्लैट होने वाला है। तो हमारी ये वीडियो बिल्कुल लास्ट तक देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा प्लीज। तो आइए मैं आपको एक बार फ्लैट दिखाता हूँ एंट्री से ले। तो हम आ चुके हैं आपके ड्राइंग रूम के अंदर। हालांकि ये जो फ्लैट है हमारा, ये अभी अंडर कंस्ट्रक्शन में, हम इसकी पजेशन अप्रॉक्स 2 महीने के अंदर देने वाले हैं। और स्पेस आप देख सकते हैं, जैसे मैं अगर ड्राइंग रूम की बात करूं तो ये पूरा 13x18 का ड्राइंग स्पेस है, बिल्कुल 13x18 का, तो एक स्पेसियस ड्राइंग रूम एरिया है। इसके अंदर पूरी फॉल सीलिंग आपकी रहेगी, ऊपर फैंसी लाइट होगी, फैंस होंगे, LED लाइट्स होगी, कॉब लाइट होगी, आपकी टोटल कंप्लीट होंगी। इस वॉल पे आपका जो टेक्सचर पेंट या फिर वॉलपेपर हम लगा के देंगे आपको, बिल्कुल कंप्लीट करके देंगे। हॉल के साथ में ही हमारा अटैच है आपका एक किचन जो कि पूरा मॉड्यूलर होने वाला है, और स्पेस भी आप देखेंगे तो करीब करीब 10 फीट के अराउंड का हमारा ये पूरा किचन है। नीचे और ऊपर आपकी सेल्फ रहेंगी, इसमें ऊपर लाइट्स रहेंगी, LED लाइट्स वगैरह होंगी। ये स्पेस दिया हुआ है साफ का एरिया जो कि वेंटिलेशन के लिए होता है हमारा, तो इसमें बेसिक या चिमनी लगा के देंगे तो फिर उसमें आपका जो वेंटिलेशन है वो आपका पास आउट होता रहता है। साथ में आपकी सीढ़ी वगैरह लगी मिलेंगी आपको, RO का स्पेस होगा, ये सारी चीज रहेंगी। कि ड्राइंग के रूम में हमारा ये टॉयलेट है जो कि कॉमन टॉयलेट होता है। अगर मैं इसकी बात करता हूँ तो ये करीब करीब 7.5 फीट का है, इसमें सारी एक्सेसरीज फिटिंग रहेगी, जैसे आपकी टॉटी होगी, शावर होगा, वॉश बेसिन होगा, सीट होगी, आपकी टोटल कंप्लीट इसमें फिनिश करके देंगे। और आप कैसे देख सकते हैं तो ऊपर पूरा बॉटम तक इसमें लगी हुई है। अब बात करते हैं जो पहले रूम की, तो ये हमारा पहला रूम है। अगर रूम की बात करते हैं तो ये पूरा जो रूम का साइज है ये हमारा अप्रॉक्स 10x12 का रूम साइज है जी, बिल्कुल 10x12 का एडजस्ट रूम साइज होता है हमारा। इसके अंदर पूरी फॉल सीलिंग हमने क्लियर करके दी हुई है आपको, आप ऊपर देख सकते हैं काफी अच्छी फॉल सीलिंग हम कर रहे हैं इसके अंदर, और इसके अंदर LED लाइट्स, टॉप लाइट, फैंस वगैरह ये पूरी कंप्लीट होंगे, और एक वॉल पे टेक्सचर या फिर आपको वॉलपेपर हम लगा के देंगे। और इसके साथ में एक छोटा सा स्पेस हमने यहाँ पे दिया हुआ है, इसके अंदर आप अपनी जो वॉशिंग मशीन स्पेस है वो आप यहाँ पे लगा सकते हैं, वॉशिंग मशीन वगैरह आप इसमें कवर कर सकते हैं, लाइक साफ का भी एरिया है। तो स्पेस काफी अच्छा है, मतलब कि आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है इसके अंदर। अब चलते हैं इनके अगले रूम्स के अंदर। अगर मैं और रूम्स की बात करता हूं तो इसके 2 जो रूम्स आते हैं वो बिल्कुल फ्रंट में होते हैं जी, बिल्कुल फ्रंट में होने का फायदा ये है कि इसमें आपको जो लाइटिंग की प्रॉब्लम है वो नहीं रहती है, बिल्कुल अच्छी आपको लाइटिंग मिलती है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, ठीक है। और अगर हम चलते हैं अब ये दूसरे रूम के अंदर, तो ये हमारा दूसरा रूम है, और ये रूम भी हमारा प्रॉपर 10x12 का रूम होने वाला है। और 10x12 के रूम के साथ में अगर आप देखेंगे ऊपर, तो फॉल सीलिंग आपको पूरी कंप्लीट मिलेगी, फैंस आपको लगे मिलेंगे, कॉप लाइट होगी, LED लाइट होगी, तो ये सारी चीजें आपको कंप्लीट मिलेंगी, और एक दीवार पर वॉलपेपर आपको लगा मिलेगा। अलमीरा बना के दे रहे हैं हम इसके अंदर, अलमीरा बिल्कुल बनी होगी। एंड इसके बाद अगर चलते हैं हम थर्ड रूम के अंदर, तो थर्ड रूम भी हमारा सेम साइज का होता है, पूरा 10x12 का हमारा ये थर्ड रूम है, ये देख सकते हैं आप डायमेंशन इसका। तो थर्ड रूम भी हमारा पूरा 10x12, यानी कि इस फ्लैट के अंदर 3 रूम्स हमारे 10x12 के हैं, और एक रूम हमारा जो ड्राइंग रूम है वो हमारा 13x18 का है बिल्कुल। तो स्पेस काफी अच्छा है हर टाइप का। इसके अंदर आप देख सकते हैं कि इसमें रूम के अंदर भी आपको इतना स्पेस हम देते हैं कि आप आराम से विंडो AC आप पे लगा सकते हैं, स्प्लिट AC आप लगा सकते हैं। जो दूसरा टॉयलेट है वो हमारा अटैच रहता है इस रूम के साथ में, जो आप देख सकते हैं काफी अच्छा टॉयलेट का साइज है, करीब 7x5 का हमारा टॉयलेट का स्पेस है, टोटल कंप्लीट इसमें लगी होंगी, सीट वगैरह, फॉल सीलिंग, सॉरी टॉटी, शावर, वॉश बेसिन वगैरह पूरा हमारा कंप्लीट होगा। और इस रूम के अंदर भी हम अलमीरा बना के आपको दे रहे हैं। तो दोनों रूम जो हमारे फ्रंट पर है, इस रूम से हमारी बालकनी अटैच है, जो आप देख सकते हैं फ्रंट में बालकनी आपको अटैच मिलेगी, और काफी अच्छी और स्पेशियस बालकनी आपकी होती है, ये आप देख सकते हैं स्पेशियस बालकनी है। सामने आप जो देख रहे हैं ये स्पेस जो खाली पड़ा है, जैसे कि स्टार्टिंग में मैंने बताया कि आपका जो रोड साइज है ये पूरा 40 फीट का है, ये 12 मीटर रोड है, सामने अथॉरिटी की लैंड खाली पड़ी है, तो अभी आपको जो देखने को मिलता है काफी ग्रीनरी आपको देखने को मिल रही है,
और आप देख रहे होंगे ओपन जो स्पेस पड़ा हुआ है वो भी आपका बाद में ग्रीनरी में ही जाएगा, कम्युनिटी सेंटर है, हेल्थ सेंटर है या फिर आपका कमर्शियल स्पेस है, ये इसके अंदर आपको जाता है। इसी बिल्डिंग के नियर में बिल्कुल टच में हमारा ऑफिस भी है जो आप देख रहे होंगे बिल्कुल, तो ये हमारे बिल्कुल जस्ट ऑफिस के बराबर में ही बनी हुई बिल्डिंग है। तो ये आपको मैंने दिखाया, हालांकि ये मैंने जैसे बताया कि अभी थोड़ी अंडर कंस्ट्रक्शन है तो इसमें अभी 2 से 2.5 महीने लगने वाले हैं इसको बिल्कुल फिनिशिंग होने में। तो ये बहुत ही अच्छी फिनिशिंग के साथ हम प्रॉपर्टी देने वाले हैं और स्पेस भी काफी अच्छा है, 115 से 120 गज के अंदर अप्रॉक्सिमेटली बनी हुई है। तो आपको कैसी लगी हमारी वीडियो एक बार जरूर रिकमेंड कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। और नीचे नंबर दिए हुए हैं डिस्प्ले पे, तो अगर कोई भी क्वेरी है इस वीडियो के रिगार्डिंग या फ्लैट के रिगार्डिंग तो कॉल जरूर कीजिए।